आप अल्लाह से माफी मांग लें, आपने एक दिन मरना है, आप 70+ हैं, आपने एक दिन मरना है। एस्टेब्लिशमेंट के भी जो जितने भी लोग हैं ये भी 70-60+ हैं, इन्होंने भी मरना है। तो हमने अपने मोहम्मद को, अपने अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी आखिरत बेहतर कर लें, इस मुल्क पे रहम करें, इन पे गोलियां बरसाना बंद करें, और अगर यही तर्ज अमल रहा तो आप अल्लाह के कहर से बच नहीं सकेंगे। और मैं आज के बाद आपकी जमात का हिस्सा नहीं हूं, मैं पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से रिज़ाइन करता हूं। और ख़ान साहब, अगर यही आपका अमल है तो आप पर बेशुमार 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 है मेरी तरफ से। आप अल्लाह से माफ़ी मांग लें, आपने एक दिन मरना है, आप 70+ हैं, आपने एक दिन मरना है। एस्टेब्लिशमेंट के भी जो जितने भी लोग हैं ये भी 70-60+ हैं, इन्होंने भी मरना है। तो हमने अपने मोहम्मद को, अपने अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी आखिरत बेहतर कर लें, इस मुल्क पे रहम करें, इन पे गोलियां बरसाना बंद करें, और अगर यही तर्ज अमल रहा तो आप अल्लाह के कहर से बच नहीं सकेंगे। और मैं आज के बाद आपकी जमात का हिस्सा नहीं हूं, मैं पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से रिज़ाइन करता हूं। और ख़ान साहब, अगर यही आपका अमल है तो आप पर बेशुमार 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 है मेरी तरफ से।